अपनी बेटी की विदाई करता है, तो कितना भी कठोर दिल का पिता हो जब बेटी की विदाई करता है ना, तो बेटी की विदाई पे कठोर से कठोर दिल वाले पिता के भी आंसू निकल ही आते हैं। और मैंने तो यहाँ तक देखा भैया कि जब एक पिता अपनी बेटी की विदाई करता है ना, तो अपनी बेटी की जब शादी करता है एक पिता, तो जिस दिन से अपनी बेटी की शादी की रुकाई करके पिता आता है ना, उसी दिन से उसे चिंता लग जाती है। और यहाँ तक मैंने देखा कि जब बेटी की बारात आती है, तो उस समय बेटी की बारात जब आती है तो उस समय घर वाले नए नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन मैंने यहाँ तक देखा है कि पिता जो होता है ना, वो अपने कपड़े चेंज करना भूल जाता है। बेटी के लिए हर व्यवस्थाएं करता है पिता, कहता है कि कर्जा हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार अगर बेटी हमारी अच्छे घर में पहुंच गई ना, तो रोज रोज रोना नहीं पड़ेगा। जब बेटी एक पिता के घर से ससुराल में पहुंचती और ससुराल में जब उसे ताने मारे जाते, ससुराल से जब वो रो करके मायके में पहुंचती है, तो इतना कष्ट एक बेटी को नहीं होता जितना कष्ट एक माँ बाप को होता है। माँ बाप हमेशा कहते हैं कि मेरे बिटिया ऐसे घर में पहुंच जाए जो मेरी बेटी को किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े। आज बेटी की जब विदाई होती है तो पिता के गले से लग करके बेटी रोती और बेटी कहती है कि हे पिताजी, जो आज दिन तक तुम्हारी बेटी तुम्हारे आंगन का फूल बन के रही है, यही बेटी आज किसी और के घर में जा रही है। जिस घर को पिताजी मैंने कभी नहीं देखा, उस घर को अपनाने जा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है कि जिस घर में हम जा रहे हैं, उस घर को हम अच्छी तरह से संभाल भी पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। एक पिता अपनी बेटी को शिक्षा देता है कि बेटा, इस पिता के यहाँ से तुम ससुराल में जा रही हो, मगर वो ससुराल नहीं, वो तुम्हारा घर है। आज के बाद में हे बेटा, तुम्हारा घर परिवार वही है। ससुराल में जा करके कभी कोई ऐसा काम मत कर देना जो कि तुम्हारे माँ बाप को उन कामों के लिए लज्जित होना पड़े। बिटिया गले से लग करके कहती है कि हे पिताजी, एक बात पूछती हूँ, बताओ ना बाबूजी, आज के बाद में तुम किसको बुलाओगे, किस बेटी को बुलाओगे? अरे जो बेटी तुम्हारे आंखों से कभी अलग नहीं हुआ करती थी। पिताजी जब आते थे तो सबसे पहले बेटी को बुलाया करते थे। और माता, ये बात सत्य है कि जब पिता कहीं से आते हैं, अगर पिता ने नीचे से आवाज लगाई कि गेट खोल दो, तो मैया एक बार नहीं भी जाएगी, लेकिन बेटी भाग करके गेट खोलने जाती है। वो होती है बेटियां घर की। जिस घर में चार बिटियां हो उस घर की सुंदरता देखना, जिस घर में चार लड़के होंगे उस घर की दुर्दशा देखना। कहीं पेंट पड़ा होगा तो कहीं बेडशीट पड़ी होगी, कहीं इस कोने में जूते पड़े होंगे तो कहीं उस कोने में चप्पल पड़ी होगी। जिस घर में चार बेटियां होंगी उस घर का कोना कोना खुशबू की तरह महकता हुआ नजर आता है। बेटे होंगे उस कोने में मेरे भैया। एक बेटी जब चलती है तो पिता कहता है कि बेटा जाओ तो, कि मेरी लाडली ओ चली रे
घर में तू जा रही है वो ही तेरा घर है। अपने हाथों की लकीरों को मिटा मत देना, अपने हाथों की लकीरों को मिटा मत देना, अपने दिल को कभी दुखा मत देना। हर औलाद माँ बाप को प्यारी होती है पिताजी, मगर इन लड़कों के प्यार में फंस करके इन लड़कियों को भुला मत देना। हिमाचल अपनी बेटी को विदा करते हैं, लेकिन बेटी को विदा तो करते हैं साथ ही साथ में शिक्षा दी है कि हे बेटा, उस परिवार में जाकर के माँ बाप के नाम को कभी कलंक मत लगवा देना। और एक माता पिता को बेटियों से उम्मीद होती है कि बिटिया जब ससुराल में जाए ना, और ससुराल में जाके अच्छे काम करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है।
कई एक ऐसी बेटियां होगी जिनकी शादी से लेकर के और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक कोई शिकायत नहीं आती है, और कई एक ऐसी लड़कियां होती हैं कि शादी होने के बाद एक दो महीने के बाद ही शिकायतें आना शुरू हो जाती है। माताओं, मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी, बेटियों को कुछ दो या ना दो लेकिन संस्कारी अगर तुमने बना दिया ना तो आपका लज्जा से सर नीचे कभी नहीं होगा, आपका हमेशा सर ऊंचा होगा। अगर बेटियों को आपने संस्कारी बना दिया, जहाँ संस्कार है जहाँ शिक्षा है वहाँ बच्चे सबसे ऊंचे जाया करते हैं। बेटियों को बेटों को संस्कारी बनाइए, अगर संस्कारी आपके बच्चे होंगे तो आपका कभी भी लज्जा से सर नीचे नहीं झुकने देंगे अगर वो संस्कारी होंगे तो। महाराज जब बिटिया चली है तो महाराज खूब रोए, लेकिन अंत में विचार कर लिया है कि जा करके कोने में छुप के रोने लगे। लोगों ने समझाया, जवाब दिया, भैया क्यों रो रहे हो? तो कहने लगे कि अरे महाराज, लक्ष्मी गई सो गई, मुझे मार के कोने में डाल के चली गई है। एक पिता जब बेटी की विदाई करता तो दो चार दिन तक बेटी की याद करके रोता है। वो कहता है कि बेटी तो गई लेकिन हमारे हाथ पैर तोड़ के चली गई। एक पिता जानता है कि जब बेटी की विदाई करता है वो कह नहीं सकता है, माँ रो रो के बता सकती है, लेकिन पिता ज्यादा रो नहीं सकता है, क्योंकि रोएगा तो समाज के लोग कहेंगे कि तू कैसा इंसान है जो बेटी की विदाई करने के बाद इतना रो रहा है। एक पिता समझता है कि जब बेटी की विदाई करता है तो उसके दिल के ऊपर क्या गुजरती, वो अपनी बेटी नहीं अपने दिल के टुकड़े को दूसरे के हाथ में भेजता है। और मैंने काफी बार देखा कि बिटियां जब ससुराल में पहुंचती हैं तो पिता की बुराई ससुराल वाले करते हैं। अरे गेस्ट हाउस की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, पनीर तो इतना बेकार बना था, रोटियां अच्छी नहीं थी, अरे उसमें तो पुलाव ही नहीं था, उसमें छोले नहीं थे, उसमें ये नहीं था वो नहीं था, हजार कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। ध्यान रखना, जिसकी बेटी अपने घर लेकर के आओ उस पिता की कभी बुराई मत करना, क्योंकि जिस पिता ने अपने कलेजे का टुकड़ा तुम्हारे हाथ में सौंप दिया हो उस पिता से भला और आप क्या उम्मीद रखते हैं। एक पिता जब बिटिया की शादी करता है ना तो सब कुछ दे देता है, कहता है दो चार लाख का कर्ज भी हो जाएगा वो भी मुझे मंजूर है, लेकिन बिटिया अच्छे घर में पहुंच जाए। और अमीर घर में जब बिटिया पहुंच जाती ना तो काफी लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि गरीब घर की बेटी जब अमीर घर में पहुंच जाए तो लोग कहते हैं कि ये गरीबनी क्या जाने, अरे इससे पूरे घर का काम करवाओ और काम ना करे तो इसे मारो। और मैंने यहाँ तक देखा है कि अमीर घर से जाने वाली लड़की को कोई कभी नहीं कुछ कहेगा और गरीब घर से जाने वाली लड़की को रोज रोज ताने मिलते हैं। दहेज के पीछे अगर दहेज नहीं मिल पाया तो लोग न जाने क्या क्या सुनाना शुरू कर देते हैं। मैंने तो सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि जो दहेज लेने वाले लोग हैं उन्हें अवगत कराना चाहूंगी कि दहेज लेने से कुछ नहीं, अगर संस्कारी बहू घर में आ गई तो इतना कमाएगी कि जितने की तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। निवेदन है सभी से।